आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। आज हम बात करेंगे इंतखाबात से मुतालिक, इंतखाबात में जो माहौल बना हुआ है उससे मुतालिक आज हम बात करेंगे। मुमताज़ साहब, MMC न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत खैर मुकदम है। जी शुक्रिया। BJP ने जो उम्मीदवार का ऐलान किया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, BJP ने अपनी पहली लिस्ट गालिबन जारी की है और उसमें 184 नामों का ऐलान किया है और इनमें से ज़्यादातर जो नाम हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्योंकि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा यूसरा साहिबा वो उत्तर प्रदेश है, जहां आप समझ लीजिए कि 80 लोकसभा सीटें हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट सीटें हैं। बड़े इम्पॉर्टेंट लोग, बड़े अहम लोग UP से आते हैं। यहाँ जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सीट भी है। यहाँ जो वज़ीर दाखला हुकूमत हिंद यानी राजनाथ सिंह, उनकी भी सीट है। जनरल VK सिंह हैं, स्मृति ईरानी हैं, और आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो अपना कई इस किस्म के हेमा मालिनी हैं और बड़े कई नाम यूपी से आते हैं जो यहाँ पे उम्मीदवार बनाए जाते हैं, और उनके नामों इनमें से कई नाम ऐलान कर दिए गए। मसलन राजनाथ सिंह का ऐलान हो गया है, मोदी जी का ऐलान हो गया है, जनरल VK सिंह का ऐलान हो गया है, स्मृति ईरानी का ऐलान हो गया है, हेमा मालिनी का ऐलान हो गया है, और जो कई अहम नाम हैं उनका ऐलान किया गया है। और इसी तरीके से गुजरात की कुछ सीटों का ऐलान किया गया है और अपना उत्तराखंड की सीटों का ऐलान किया गया है। तो कुल 184 सीटों का BJP ने ऐलान किया है, ये पहली उनकी लिस्ट है। और इनमें से कई नाम जो हैं वो कटे हैं, कई जो पहले उम्मीदवार थे यानी 2014 में वो इस बार नहीं हैं, लेकिन अभी जिन सीटों का ऐलान किया गया है वो बहुत रवायती है, यानी जो पिछले साल जिन सीटों पर लोग उम्मीदवार थे और कामयाब हुए थे उन्हीं का ऐलान किया गया है। तो अभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की बात हम ये कह लें कि नहीं है, कुछ एक दो तब्दीली है और वो तब्दीली बड़ी है जिसका मैं जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन ये पहली लिस्ट बड़ी मशक्क़त के बाद BJP ने जारी की है और जाहिर सी बात है कि इस बार BJP को बड़ी मशक्क़त का सामना भी है। और जैसा कि आपने कहा कि गहमा गहमी है, बिल्कुल सही बात है कि हर पार्टी बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रही है, बहुत फूंक फूंक करके अपने उम्मीदवारों का इंतखाब कर रही है, यानी इंतखाब से पहले उम्मीदवारों का इंतखाब भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है किसी पार्टी के लिए, बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता है। और वो कांग्रेस हो, BJP हो, SP BSP हो या TMC हो या दूसरी पार्टियाँ हो, उन सब के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर से ऐसे मौके पर कि जब इलेक्शन बहुत मजबूती से हर पार्टी लड़ रही हो। तो बहरहाल ये पहली लिस्ट आई है, अभी और लिस्ट आना बाकी है, चूँकि आपको मालूम है कि 543 सीटें हैं पूरे हिंदुस्तान में और उनमें से 184 सीटों का ऐलान BJP ने किया है। एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जी जरूर। इस बार BJP ने लाल कृष्ण अडवाणी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया है, उनकी जगह अमित शाह को बनाया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि तीन दहाइयों से लाल कृष्ण अडवाणी गुजरात की गांधीनगर सीट से उम्मीदवार होते आए हैं और कामयाब होते आए हैं, तो इस बार उनको वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि उनकी जगह अमित शाह को बनाया गया है, उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और सुनने में यही आ रहा है, जो ज़राए से खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि लाल कृष्ण अडवाणी लड़ना चाहते थे इलेक्शन, लेकिन उनको बहुत समझाया गया, यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी जो दौड़ से बाहर हैं वो भी गए थे अडवाणी जी को समझाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये पहले से जानते थे जिस तरीके से मोदी हुकूमत में लाल कृष्ण अडवाणी बुज़ुर्गी के नाम पे बिल्कुल नज़रअंदाज किए गए, उनको बिल्कुल साइडलाइन किया गया, तो उससे वो काफ़ी नाराज़ भी थे। और इस बार ये तकरीबन बात ये समझी जा रही थी कि शायद लाल कृष्ण अडवाणी का ये उम्मीदवारी का टिकट कट जाए, उम्मीदवार न बनाए जाए, और वही तस्वीर सामने आ रही है। तो बहरहाल ये BJP का या पार्टी का फैसला होता है कि वो किसको उम्मीदवार बनाती है। BJP के पास ये जवाब ज़रूर है
कि चूंकि लाल कृष्ण आडवाणी एक बड़ा चेहरा थे तो उनकी जगह पर हम एक बड़ा ही चेहरा ला रहे हैं, यानी अमित शाह को टिकट दे रहे हैं, अमित शाह को उम्मीदवार बना रहे हैं। तो गोया कि बीजेपी जो है वो गांधीनगर पर बड़ा चेहरा देने का काम कर रही, ये उसके पास जवाब है। लेकिन ये अहम बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी की ख्वाहिश होने के बावजूद उन्हें मैदान में न उतारा जाना, ये यकीनन एक बहुत बड़ा सियासी, हम कह लें कि बदलाव हम इसको कह सकते हैं, ख़ास तौर से बीजेपी की सियासत में। एक सवाल और पूछना चाहूँगी। जी ज़रूर। यूपी में जो उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है उसमें वरुण गांधी का ऐलान नहीं किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वरुण गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है तो ये भी ठीक है कि सुल्तानपुर से वो हैं, तो सुल्तानपुर से अभी किसी और नाम का भी ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए कोई बात कहना मुनासिब नहीं होगी। लेकिन ये है कि अब वहाँ से जैसा कि चीमागोइयाँ हो रही हैं कि वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, और अगर सुल्तानपुर जहाँ से वो एमपी हैं अगर वहाँ से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो फिर कहाँ से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसी तरीके से ये बात भी कही जा रही है कि उनकी जो वालदा हैं वो भी, मेनका गांधी, वो भी इस बार पीलीभीत से उम्मीदवार नहीं होंगी बल्कि कहीं और होंगी, कहीं और से होंगी। तो अब ये देखना है कि वो कहाँ से उम्मीदवार वरुण गांधी बनाए जाते हैं, कहाँ से उम्मीदवार मेनका गांधी बनाई जाती हैं, ये बहरहाल एक सवाल तो है। लेकिन अब तक की जो खबरें हैं वो यही हैं कि शायद इस बार उनकी रवायती सीट से उम्मीदवार न बनाया जाए। तो अब देखना ये है कि वो उन्हें कहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है। वैसे कुछ सीटों पर अभी हमने देखा कि चाहे वो बिहार की सीट हो और चाहे साक्षी महाराज की उन्नाव की सीट हो, साक्षी महाराज कितना अभी भड़के हुए थे, बीजेपी नाराज़ थे और आखिरकार नाराज़गी जो है वो बीजेपी को बर्दाश्त करनी पड़ी, बीजेपी ने एक तरीके से उनके सामने घुटने टेके और उन्नाव से उन्हें उम्मीदवार बनाया। तो अब ये देखना है कि अगर सुल्तानपुर से वरुण गांधी चाहते हैं और उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता तो वो क्या करते हैं, या फिर उन्हें कहाँ से टिकट दिया जाता है, ये एक बड़ा मसला है। और जैसा कि ये कयास आ रही तो पहले भी रही है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया और उनको नज़रअंदाज किया गया तो जाहिर है कि वरुण गांधी हो सकता है कि बीजेपी भी छोड़ दें, लेकिन इसमें कितनी पुख्तगी है ये कह पाना मुश्किल है। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बात तय है जो हम पहले से भी कहते आए हैं कि फिर वो कांग्रेस का सहारा लेंगे, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे। मुमताज साहब, बनारस से पीएम मोदी खड़े हुए हैं उम्मीदवार के तौर पर जी, उनकी मुखालफत में प्रियंका गांधी आ सकती है जी, जी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सही है कि ऐसी कयास आराई की जा रही है कि शायद प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी के मुकाबले में आए। इससे पहले ये खबर भी आ रही थी कि शायद इस बार बनारस से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार न हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने सर्वे कराया होगा, उन्होंने देखा होगा और ये उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो बनारस से उम्मीदवार न होते तो फिर ये उनकी बहुत बड़ी शिकस्त होती और इसका मैसेज पूरे यूपी में गलत जाता और इससे ये अंदाज़ा हो जाता कि बीजेपी हार रही है। तो ये एक मजबूरी भी थी बीजेपी के सामने और मोदी के सामने कि वो बनारस से उम्मीदवार हों। दूसरी बात जो अहम आपने कही है कि वहाँ से प्रियंका गांधी उम्मीदवार हो सकती हैं। देखिए, अभी तक तो ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने उन्हें मशरकी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया, इंचार्ज सेक्रेटरी बनाया है, और वो अभी हाल ही में इलाहाबाद से लेकर के बनारस तक पानी से जो कश्ती से उन्होंने जो सफ़र किया है और फिर बनारस में जाके जिस तरीके से रैली को खिताब किया है, उससे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का फोकस जो है वो इलाहाबाद और बनारस है। और अगर ऐसी बात है और कांग्रेस कहीं रिस्क ऐसा लेती है और तमाम पार्टियां जो एसपी बीएसपी और दूसरी पार्टियां हैं अगर उनसे इत्तेफाक होता है और वहां से प्रियंका गांधी उम्मीदवार बनाई जाती हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट यूपी की सियासत का होगा, मुल्क की सियासत का भी, क्योंकि अगर वाहिद अपोजिशन से प्रियंका गांधी उम्मीदवार होंगी तो फिर मोदी के सामने बहुत बड़ा मुकाबला हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि उनकी शिकस्त हो। लेकिन अभी कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, अभी सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही ऐलान हुआ है, चूँकि 2014 में वो वहीं से उम्मीदवार हुए थे और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूँ। बीच में कितना काम हुआ, कैसे काम किया गया, ये सब का जायज़ा जाहिर सी बात है इलेक्शन में आएगा। लेकिन अभी जो है वो यही है कि उनके मुकाबले में कौन मैदान में आता है।
बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर मुमताज़ आलम रिज़वी साहब। हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़े खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली। खुदा हाफिज़।